गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल ऑन दिस मंडे? सो जहां पर भी हो, जल्दी जल्दी से आओ। बहुत सारे लोग नेट की स्पीड और पता नहीं क्या क्या के लिए रोते रहते हो, तो वो लोग अटकते हुए आएंगे, उनका भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का फ्रिक्शन है, एंड फ्रिक्शन के जो भी लाइक नॉट एग्जैक्टली डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, बट जिस टाइप की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग नीट के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, तो उस पर फोकस करते हुए, और हम लोग का टारगेट वही रहता है इन दिस स्ट्रीम, इन दिस चैनल, कि rather than flaunting the subject and flaunting the knowledge to impress students, we try to deliver the content and हमारे एफर्ट जो होते हैं वो उसी डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में आप लोग जाना चाहते हो। लाइक जैसे अगर आप लोग नीट के लिए अपीयर हो रहे हो, तो नीट के क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें जिस तरह क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस की ऑन एन एवरेज क्या लेंथ होती है, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर कंसेप्चुअल्स एंड वगैरह वगैरह। तो कंसेप्चुअल लाइक डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अब नीट में भी आने बहुत कम हो गए हैं। सो मतलब मेजर पार्ट एप्लीकेशन बेस्ड ही पूछा जाता है, एंड सिंस उन लोग को पता है कि आप लोग का मैथमेटिक्स से नाता थोड़ा सा दूर सा ही हो चुका होता है, तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, और मतलब ऐसा नहीं करते कि नीट के पेपर में ढेर सारी मैथमेटिक्स घुसी हो। तो यस, देयर विल बी कॉन्सेप्ट्स, बट नीट के पेपर में एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो चीज़ पर फोकस रहता है। तो इसलिए हम लोग का जो टारगेट रहता है इन दिस चैनल एक्स और इन दिस स्ट्रीम एक्सलेट नीट, उसमें ये यही रहता है कि आप लोग को एग्ज़ाम बेस्ड जो भी प्रिपरेशन करवाई जाए, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाई जाए। अदरवाइज आप लोग को क्या कहते हैं, इम्प्रेस करना, मतलब लाइक नॉलेज से इम्प्रेस करना, टीचिंग से इम्प्रेस करना वगैरह वगैरह, जोक्स सुनाना, कहानियाँ सुनाना वगैरह, वो तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। तो यूट्यूब वैसे भी फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहाँ पर आके कुछ भी आके बोल सकता है। सो कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। So before we start, I want to announce that it is a recorded class, and so recorded class में मतलब आप लोग को teaching में कोई difference नहीं पता चलेगा, मतलब ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप recorded session देख रहे हो, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि आप live session देख रहे हो। My pace will be normal to, मतलब जैसे live class में मेरी pace रहती है, वैसे यहाँ पर रहेगी teaching की, explaining की, writing की, सब की। So you won't feel any difference. The only difference will be कि yes, जो भी comment section जो होता था, जो कि live class में आता है, तो comment section is not available here right now. So तो आप लोग के मतलब जो नाम वगैरह हैं और जो भी particular आप लोग doubts पूछते हो during the lecture, वो answer नहीं हो पाएंगे। So उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो, अब कुछ ना कुछ अगर पढ़ रहे हो तो उसमें ऑफकोर्स अगर कुछ ना कुछ समझ में आए तो डाउट्स भी आएंगे, तो डाउट्स क्लियर करना मतलब लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डाउट्स क्लियर करना मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक मतलब आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मेरे लिए वो काफ़ी हैवी वेटेज वाला काम होता है। सो आई मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो सिंस वो ड्यूरिंग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाइव चैट के थ्रू क्लियर नहीं हो सकते, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हो उसमें कमेंट सेक्शन में। जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो इसके कमेंट में अपना डाउट पोस्ट करो, और फिर वो डाउट मुझ तक डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू। एंड एक चीज़ जो प्लस है रिकॉर्डेड सेशन में वो ये कि जैसे यूट्यूब में क्या होता है कि कोई भी वेलकम है, और मतलब कोई भी पढ़ने वाला वेलकम है, उनके पेरेंट्स वेलकम है, उनके मेंटर्स, उनके जो भी गार्जियंस, सब लोग वेलकम है। एंड उसके अलावा क्या होता है कि सिंस ये फ्री प्लेटफॉर्म है और इंटरनेट की कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सी हो गई है,
और दुनिया में अपनी कंट्री में वेले लोग ही बहुत हैं, तो बहुत सारे फालतू लोग भी आ जाते हैं मज़े लेने के लिए या ऐसे अपना टाइम किल करने के लिए, कुछ ऐसे फट्टे मारने के लिए, कुछ भी मतलब बोलने के लिए। तो उससे क्या होता है कभी कभी क्लास में जो क्या कहते हैं बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, तो वो चीज़ रिकॉर्डेड क्लास में नहीं हो सकती। ऐसे जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं यू कैन ऑलवेज इग्नोर देम ड्यूरिंग द चैट, और यू कैन डिसेबल द चैट फॉर द रिकॉर्डेड सेशन, और यू कैन जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, तो वो काम भी हो जाता है। चलो तो मैंने काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया, अब जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हो उसके उससे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज़ फ्रिक्शन, सो डोंट वरी, ये मत सोचना कि लॉज यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में आया हो कि लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ाया नहीं, सीधे फ्रिक्शन से स्टार्ट कर दिया, तो चिंता मत करो। लॉज ऑफ मोशन में एफ इक्वल्स टू एम ए ये लगाना आप लोग को पता है, और जितना बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो तो हम मान के चलते हैं कि आपको पता है, उतना अगर पता है कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि लॉज ऑफ मोशन की बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स यूज़ ना हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो भी फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन दो बॉडीज़ या दो सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज़ करता है, रिलेटिव मोशन को, मोशन को नहीं। तो मतलब अगर ऐसे दो बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं और अगर वो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन एक केस में मतलब दोनों केस में हालांकि वो रिलेटिव मोशन को तो अपोज़ करेगा, लेकिन अगर मोशन की बात करो सिर्फ मोशन की नॉट रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन एक केस में एक बॉडी का मोशन अपोज़ कर रहा होगा और एक बॉडी का मोशन सपोर्ट कर रहा होगा ऐसे, बट रिलेटिव मोशन हमेशा अपोज होता है। तो मतलब कि अगर ऐसे एक बॉडी के फ्रेम में जाके आप दूसरी बॉडी को देखो और अगर पहली बॉडी के फ्रेम में दूसरी बॉडी अगर जा रही है राइट की तरफ तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने के लिए लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से अगर आप सेकेंड बॉडी के फ्रेम में फर्स्ट बॉडी को देखते हो और अगर फर्स्ट बॉडी जा रही है लेफ्ट की तरफ तो फिर जो फ्रिक्शन लगेगा वो राइट की तरफ ऐसे। तो रिलेटिव मोशन मतलब एक ही फ्रेम में जाने के बाद जब आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो तो दैट बिकम्स रिलेटिव मोशन, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, और अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन अगर होने वाला है तो उसको अपोज करना। तो डिपेंडिंग ऑन कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो इसलिए दो तरह के मतलब वैसे तो फ्रिक्शन बहुत टाइप के होते हैं बट हम लोग मेजरली फोकस करेंगे टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और सिर्फ दो केसेस कंसिडर करेंगे, एक केस जिसमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है या टेंडेंसी है, और सेकेंड केस होगा जिसमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन वर्ड स्टैटिक से लग रहा है कि यहाँ पे जो दोनों बॉडीज़ हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टैटिक है मतलब नहीं स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में फ्रिक्शन जो आता है। नाउ देयर आर सम ऑफ डेफिनेशंस, सो एक तो एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज को मैं कैसे बताऊं, यहाँ पर कुछ है भी नहीं डिवाइस, कोई बात नहीं। जैसे कि अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने ऐसे एक ब्लॉक को रख दिया, एक ब्लॉक अगर रखा हुआ है लाइक जैसे अगर ये बॉटल ऐसे रखी हुई है, तो अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है और बॉटल को आपने चुपचाप ऐसे अगर रखा हुआ है तो ना तो सरफेस मूव कर रहा है, ना बॉटल मूव कर रही है, ना बॉटल की मूव करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पर ना तो रिलेटिव मोशन हो रहा है और ना ही उसकी टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, फ्रिक्शन चुपचाप पड़ा रहेगा। और सरफेस रफ़ हो भी सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि रफ़ सरफेस हमेशा फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, रफ़ सरफेस फ्रिक्शन फोर्स तभी लगाएगा जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो या रिलेटिव मोशन हो रहा हो, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उसकी टेंडेंसी भी नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, सिंपल। तो अगर ये बॉटल चुपचाप यहाँ पे रखी हुई है, ना तो मूव कर रही है ना ही इसकी मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब अगर मैंने इंक्लाइन थोड़ा सा इसको एंगल को मतलब अपने हाथ को टिल्ट किया, नाउ अगर मेरा हाथ ये स्मूथ होता तो ये बॉटल जो भी है जैसे अगर मान लो यहाँ पे रखी है तो ये बॉटल ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड कर जाती, लेकिन ये बॉटल अभी स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करती है। अच्छा तो स्लाइड करना क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है, बिकॉज इसके जो एम जी का कॉम्पोनेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाता है। फिर हमने एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया, एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया, बॉटल की स्लाइड करने की टेंडेंसी और बढ़ी, स्लाइड करने की टेंडेंसी अभी बढ़ी है लेकिन बॉडी जो है ये बॉटल जो है ये स्लाइड करना स्टार्ट नहीं की है, तो इसका मतलब अभी भी इस पे फ्रिक्शन इसका स्लाइड करने वाले मोशन को कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन। एंगल को हमने और इंक्रीज़ किया, एंगल को और इंक्रीज़ किया तो अब इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी और बढ़ी, अभी भी स्लाइड अगर नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके बॉडी वेट को बैलेंस कर रहा है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी को बैलेंस कर रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा।
तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा, बॉडी वेट का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जब ये बॉटल स्लाइड कर जाएगी। तो जिस एंगल पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज का सिंपल सा फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज है, म्यू एस यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब जैसे देखो, हम लोग को पता है कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब जैसे ये ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है तो इसके बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए ग्राउंड से कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अच्छा, सपोज इस ब्लॉक की स्लाइड करने, इस पे हमने कहीं तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है एफ का, ये भी स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स एफ का लगाया, तो एक काम करते हैं एफ को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स एफ का ऐसे लगाया तो इसकी स्लाइड करने की, लेफ्ट की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी आ गई, लेकिन ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है बिकॉज इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब इसकी सिंस स्लाइड करने की टेंडेंसी है लेफ्ट की तरफ, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो आ जाएगा राइट की तरफ ऐसे। अब सिंस नॉर्मल रिएक्शन वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो भी है, इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, तो इनका एक आएगा रिजल्टेंट। और जब भी आप लोग को क्वेश्चन में, क्विज में, एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कहीं पर भी आप लोग को वर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स दिख जाए तो समझ लेना कि वो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स के बराबर, और अगर फ्रिक्शन है और वो काम कर रहा है तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो टेन लैम्डा होता है वो 0 से लेकर म्यू एस के बीच में कुछ भी हो सकता है ऐसे। बेसिकली जो लैम्डा है वो एफ एस पे डिपेंड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, और आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर एक लिमिटिंग वैल्यू तक जाता है, तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो सकता है तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। बहुत सारी सब स्टैंडर्ड एंड बकवास बुक्स में आप लोग ये जरूर पढ़ोगे कि एक्सप्लेन रादर, वो इतने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पोस्ट करते हैं बुक में, पूरी फ्रिक्शन की थ्योरी समझा देंगे और सॉल्व एग्जाम्पल्स कहीं से कॉपी पेस्ट करके समझा देंगे, और उसके बाद उनके आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में वो लोग कुछ, एक क्वेश्चन क्या होता है कि एक्सप्लेन व्हाई एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल, क्वेश्चन ही गलत है, ये दोनों जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। यस, डेफिनेशन वाइज दिखता है कि हाँ एक केस आता है जब वो इक्वल है, बट एक ही केस आता है जब वो इक्वल होते हैं, और अगर क्या कहते हैं सरफेस स्मूथ है तो ना तो एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन होता है और फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उस केस में 0 होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो पहली बात तो डिफरेंस है डेफिनेशन का, एंगल ऑफ रिपोज इज डिफरेंट डेफिनेशन वाइज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफरेंट डेफिनेशन वाइज, और एक्सप्रेशन मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशन है उसमें भी डिफरेंस है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और जिन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंडिया की टॉप सेलिंग या नंबर वन बुक खरीदी भी होगी, पढ़ी भी होगी, और ये क्वेश्चन देखा भी होगा, ठीक है, तो ऐसे बुक्स को दूर से सलाम है। खैर, ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है एज पर नीड, मैंने जैसे बताया था बॉटल वाले एग्जाम्पल से कि बॉटल जब चुपचाप रखी हुई है तो फ्रिक्शन 0 है, जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते हो फ्रिक्शन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, उससे ज़्यादा, उस मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता, और जब भी एंगल को आप और ज़्यादा बढ़ा देते हो तो फिर फ्रिक्शन फिर बॉटल को नहीं रोक पाता और बॉटल स्लाइड कर जाती है वैसे। तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब सिंस ये फोर्स है तो फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है, तो यहाँ पर ये बॉटल वाले एग्जांपल से ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर सकता है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है क्या? तो यस कर सकता है। जो बॉटल थी, जो ऐसे बॉटल है, अगर इस पे मान लो कि ऐसे इंक्लिनेशन कर दिया, लेकिन इसको अगर मैंने खींचने के लिए ऊपर से ऐसे फोर्स लगाया
और ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो अब ये जो बॉटल है इसकी नीचे की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं होगी, इसकी टेंडेंसी हो जाएगी ऊपर की तरफ स्लाइड करने की। और अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लाइड करने की है तो फ्रिक्शन इसके अपवर्ड मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर हमने फोर्स नहीं लगा रखा था तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर था, अगर तुमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया इसको ऊपर खींचने के लिए तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। तो एज़ पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन चेंज और एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोलते हैं। तो इफ़ यू फाइंड इट दिस इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो चलो क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन में एक बंदर है, एससी वर्मा का बंदर दिख रहा है ये। तो सो इसमें एक मंकी है जिसका मास एम है, रोप पे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, हम लोग को डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द मंकी निकालना है। तो यहाँ पे अब देखो, सिंस फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है तो वो हमेशा सरफेस के मतलब, और फ्रिक्शन फोर्स जो भी है हमेशा सरफेस के अलॉन्ग काम करता है, तो अगर सरफेस के अलॉन्ग काम कर रहा है तो या तो लेफ्ट राइट यही हुई डायरेक्शन टाइप्स हो सकती है, तो लेफ्ट राइट आगे पीछे ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन हालांकि हो सकती है, बट अगर आप वन डायमेंशन में देखो तो यहाँ पे जो रोप है वो लीनियर रोप है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, वन डायमेंशनल रोप टाइप्स ऐसे, तो उसमें जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा आप कॉन्टैक्ट पे लग रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में है, ये मंकी के हाथों के बीच में और रोप के बीच में, तो इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा रोप की वजह से तो फ्रिक्शन या तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा या नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो देर आर ओनली टू पॉसिबल आंसर्स, इधर फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो बताओ फटाफट मुझे आंसर कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड में लड़ाई हो गई। ऐसे देखो, अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताने में अगर दिक्कत आ रही है और इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, तो एक काम कर सकते हो, सबसे पहले जिस सरफेस पर फ्रिक्शन है उस सरफेस से फ्रिक्शन को हटा दो, हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लो कि सरफेस स्मूथ है। अच्छा, अब अगर सरफेस स्मूथ है यानी कि ये जो रोप है ये अगर स्मूथ होती तो मंकी किस तरफ जाता, तो रोप अगर परफेक्टली स्मूथ होती तो मंकी फिसल के नीचे आ जाता, ठीक है। तो मंकी अगर फिसल के नीचे आ जाता तो रोप के रिस्पेक्ट में जो मंकी है वो स्लाइड करके नीचे जा रहा है, ऐसे स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, तो उसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन आएगा किस तरफ आना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। अच्छा, अब फिर क्या चाहिए, वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मंकी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये हो गया उसका बॉडी वेट, ऊपर की तरफ सम फ्रिक्शन एंड मंकी का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए लिखना है, जो फोर्स एक्सेलरेशन को मोशन को एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और जो फोर्स एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है वो हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया F माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ से आपके पास इस एम जी को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा एम इंटू जी प्लस ए। तो ये हो गई डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड निकालना तो इजी था। मैं यहाँ पे बस इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मोटिव सिर्फ यही था, ये डायरेक्शन बताना, क्योंकि सबसे पहला टास्क यही होता है। तो आंसर इज अपवर्ड्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दोगे। इसमें एक बॉक्स ए पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे और एक ट्रेन के डब्बे पे, बेसिकली ट्रेन के डब्बे के अंदर रखा हुआ है, और जो ट्रेन है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और फिर वो डीएक्सलरेट कर रही है, ब्रेक लगा रही है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जो भी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर,
आर्क की डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो भी की पॉइंट्स हैं, द ट्रेन इज़ मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वो डेसेलरेट कर रही है, मीन्स इट इज़ स्लोइंग डाउन। इन दिस क्वेश्चन डेसेलरेट्स मीन्स स्लोइंग डाउन। और वैसे भी ट्रेन जो है डेसेलरेट करने का मतलब है कि वो ब्रेक लगा रही है, और ब्रेक अगर लगा रही है तो फिर उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, तो इट विल बी स्लोइंग डाउन। चलो फटाफट आंसर बोलो। सो देखो, नॉर्मल फोर्स तो ऊपर काम करेगा, ठीक है, तो रिजल्ट, अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो रिजल्टेंट तो हॉरिजॉन्टल आ नहीं सकता, तो ये ए और बी तो हो नहीं सकते सी और डी में से। तो अगर ये कंपार्टमेंट राइट की तरफ जा रहा है और लेकिन इस पे अगर एक्सलरेशन लेफ्ट की तरफ है, तो अगर एक्सलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप ट्रेन के फ्रेम में चले गए, तो ट्रेन के अगर फ्रेम में चले गए तो फिर इस पर लगेगा कंपार्टमेंट पर स्यूडो फोर्स। नाउ ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड उस पर ब्रेक लग रहा है, तो उसका एक्सलरेशन है लेफ्ट की तरफ, तो एक्सलरेशन है लेफ्ट की तरफ और एक्सलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, तो जो स्यूडो फोर्स आएगा वो राइट की तरफ आएगा। यहां ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेन का डब्बा हो गया, ट्रेन के डब्बे का पीछे की तरफ एक्सलरेशन। नाउ इफ वी गो इनटू फ्रेम ऑफ कंपार्टमेंट, तो अगर इसका एक्सलरेशन लेफ्ट की तरफ है तो इसमें जो स्यूडो फोर्स आएगा वो राइट की तरफ आएगा, जो भी लिख देता हूं मैं स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स राइट की तरफ आएगा। तो अगर राइट की तरफ स्यूडो फोर्स आ रहा है तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी आएगी राइट की तरफ मूव करने की, उसको अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा लेफ्ट की तरफ। तो मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर ट्रेन से तो शायद इमेजिन ना कर पाओ, मान लो बस में खड़े हो, ठीक है, स्कूल बस में खड़े हो, स्कूल बस में आप भी हो, ड्राइवर वगैरह तो है ही ऑफकोर्स, और वो हाईवे पर चल रही है, एंड हाईवे पर चल रही है तो मतलब फ्री रोड है, खुली रोड है, ड्राइवर एकदम मस्त भांजे जा रहा है, भगाया जा रहा है उसको। अच्छा, अब भगाते भगाते क्या हुआ कि एकदम से बगल से किसी ने तो गाय हाँक दी, तो गाय हाँक दी तो गाय आ गई रोड पे, तो गाय रोड पर आ गई तो उसको देखते ड्राइवर ब्रेक मारेगा। तो अब अगर ब्रेक मारेगा और अगर आप बस में खड़े हुए हो, बैठे नहीं हुए, खड़े हुए हो, वैसे बैठे हुए तो चलता है लेकिन अभी अगर आप बस में खड़े हुए हो तो आपकी टेंडेंसी किस तरफ होगी, ब्रेक लगते ही आगे की तरफ जाने की, और आप आगे की तरफ बेंड भी होते हो या टिल्ट होते हो, बेंड तो नहीं टिल्ट होते हो, तो आप आगे की तरफ टिल्ट होते हो तो आपके पैर भी तो आगे की तरफ जाने चाहिए, तो पैर भी अगर आगे की तरफ जाने चाहिए तो उसके पैर के फॉरवर्ड मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किस तरफ आता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही चीज़ यहाँ पर है, पीछे की तरफ एक्सलरेशन आया तो मतलब कि जो भी इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरफ है, पीछे की तरफ एक्सलेशन आया ब्रेक लगाने से, स्यूडो फोर्स राइट की तरफ आया तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ आया। तो फ्रिक्शन अगर लेफ्ट की तरफ है और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरह से आएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड आंसर इज सी। तो एक बार एक्सलरेशन की डायरेक्शन एंड स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये सारी चीज़ एक बार कंफर्म कर लो। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन लेफ्ट टू राइट और सिंस कंपार्टमेंट इज स्लोइंग डाउन सो एक्सलेशन शुड बी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स एक्सलेशन शुड बी टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर कंपार्टमेंट का एक्सलेशन लेफ्ट की तरफ है तो स्यूडो फोर्स जो ब्लॉक पर आना चाहिए वो राइट की तरफ आना चाहिए, और स्यूडो फोर्स अगर राइट की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब कंपार्टमेंट के फ्रेम में जो ब्लॉक की स्लिप करने की टेंडेंसी है दैट इज़ टुवर्ड्स राइट, और अगर उसकी स्लिप करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है तो उसके राइटवर्ड मोशन को, राइटवर्ड स्लिपिंग मोशन को या टेंडेंसी को अपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा ऐसे। सो
So, all right, I hope this is clear and screenshot is done. So let's move on to next question. Okay, read this question. ये भी इसमें भी स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, फोड़ते हैं इसको। तो एक कार्ट है, भारी सी कार्ट है जिसका मास एम है, उसके बगल में एक ब्लॉक है, अटैच है, मतलब अटैच है लेकिन चिपका नहीं रखा है, उनके बीच कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू का, और इस कार्ट का हम लोग को मिनिमम एक्सलरेशन चाहिए सो दैट कि जो ब्लॉक है वो गिरे नहीं। तो ब्लॉक जो भी है ना उसको बस ऐसे सटा के रखा हुआ है, चिपकाया नहीं है, मतलब ग्लू नहीं किया हुआ है इसको। अब उसके बाद इसको कार्ट को हमने एक्सलेट करना स्टार्ट किया है, तो एक्सलेट करना स्टार्ट किया है तो ये जो ब्लॉक है इसको गिरना नहीं है, इस तरह से एक्सलेट कराना है। तो कितना एक्सलेशन होना चाहिए मिनिमम वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एक्सलेशन की डायरेक्शन, किसके एक्सलेशन की डायरेक्शन, कार्ट के एक्सलेशन की डायरेक्शन। तो अगर कार्ट के एक्सलेशन की डायरेक्शन आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आती है तो रिवर्स में भी देख सकते हो। हालांकि एक चीज़ ऑब्वियस है कि अगर कार्ट लेफ्ट की तरफ एक्सलेट करने लग गई तो जो ब्लॉक है वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा और नीचे गिर जाएगा, तो ये जो कार्ट है वो जानी चाहिए राइट की तरफ, तो राइट की तरफ एक्सलेट करनी चाहिए। तो ये तो लॉजिकल, मतलब ठीक है, लॉजिक समझ में आ जाता है। अदरवाइज अगर नहीं समझ में आता है, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली एक एक स्टेप वाइज देखो, तो देखो ये ब्लॉक अगर नीचे नहीं गिरना चाहिए तो इसका मतलब इसका जो बॉडी वेट है दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाई फ्रिक्शन। तो इसका जो बॉडी वेट है वो बैलेंस होना चाहिए फ्रिक्शन से। बॉडी वेट नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक बिकॉज ब्लॉक इज़ नॉट फॉलिंग। तो ब्लॉक इज़ नॉट फॉलिंग इट मीन्स ब्लॉक इज़ नॉट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट। तो अगर आप कार्ट के फ्रेम में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कार्ट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो कार्ट और ब्लॉक दोनों अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है बट रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, तो इसलिए फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक और वो आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को काम करना है तो सिंस एक्सलेशन मिनिमाइज है, मतलब मिनिमम एक्सलेशन करना है, तो इस ब्लॉक को पुश करने वाला जो फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन वो भी मिनिमम होगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को आप रिड्यूस करते जाओगे तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज़ म्यू एस एन, वो जल्दी अटेन होगी। बिकॉज ऐसे देख सकते हो कि अगर नॉर्मल रिएक्शन एक केस में, नॉर्मल रिएक्शन एक केस में मान लो 10 न्यूटन है और एक केस में मान लो 100 न्यूटन है, एंड इन बोथ केसेस म्यू की वैल्यू 0.1 है। तो पहले वाले केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन वो म्यू इंटू एन ऐसे, तो वो आ जाएगी 1 न्यूटन के बराबर। और सेकंड केस में अगर निकालोगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो म्यू एस एन टू करोगे वो आएगा 10 न्यूटन। अब सिंस फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है और वो जीरो से स्टार्ट होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग वैल्यू तक जा सकता है, तो जीरो से अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो 1 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिक्शन हैज़ ग्रेटर चांसेस, एंड फ्रिक्शन हैज़ नॉट रादर ग्रेटर चांसेस, फ्रिक्शन विल डेफिनेटली रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप एक्सलेशन को मिनिमाइज करोगे तो कार्ट और ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एक साथ जाने चाहिए राइट की तरफ, दोनों एक साथ एक्सलेट करने चाहिए, दोनों अगर एक साथ एक्सलेट करने चाहिए, और अगर एक्सलेशन मिनिमाइज हो रहा है तो इसका एक्सलेशन जो भी आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन, तो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन जो भी आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आएगा। तो यहाँ पर अगर एक्सलेशन मिनिमाइज हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन मिनिमाइज हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अगर मिनिमाइज हो रहा है तो फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। अच्छा, अब नॉर्मल रिएक्शन मिनिमाइज हो रहा है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की मिनिमम वैल्यू जीरो भी हो सकती है, लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा, ब्लॉक गिर जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो कुछ ना कुछ लगना चाहिए, और किस तरफ लगना चाहिए, इस तरफ लगना चाहिए। बिकॉज अगर इस कार्ट की वजह से ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो राइट की तरफ ही लग सकता है। इट्स सिंपली जैसे अगर आपने एक बॉक्स को ग्राउंड पे रख दिया, तो बॉक्स को अगर ग्राउंड पे रखा तो ग्राउंड की वजह से ब्लॉक पर या बॉक्स पे जो फोर्स आता है वो ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ नहीं आता। बॉक्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ आता है। तो वैसे यहाँ पर इस कार्ट की वजह से ब्लॉक पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी टूवर्ड्स राइट। तो अगर फोर्स अगर टूवर्ड्स राइट आ रहा है तो इसका मतलब ये कार्ट इसको अपने साथ राइट की तरफ पुश करके ले जा रही है, तो एक्सलरेशन जो भी आ जाएगा टूवर्ड्स राइट आ जाएगा और वो हमें निकालना है। अच्छा, ये कैलकुलेशन तो सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए थी, पर
कि अगर एक्सेलरेशन मिनिमाइज होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमाइज होगा. ऑल राइट, सो अब यहां पे लेट्स टेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार्ट. कार्ट के फ्रेम में जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है, छोटा वाला ब्लॉक, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो ये तो हो गया उसका बॉडी वेट, ऐसे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन. कार्ट का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है तो ब्लॉक पर जो स्यूडो फोर्स आएगा वो लेफ्ट की तरफ, और ऊपर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू है. तो एन इक्वल्स टू आ गया एम इंटू ए की मिनिमम वैल्यू, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो बैलेंस कर रही है बॉडी वेट एम जी को. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज म्यू एस इंटू एन. एन का एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पे ठूस दोगे तो एन है अपना एम इंटू ए मिनिमम इक्वल्स टू एम जी. तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए मिनिमम जो भी आ जाएगा जी बाई म्यू के बराबर आ जाएगा, यानी कि आंसर इज सी. तो आंसर सी लिखा हुआ है. तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है कि कार्ट किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, और उसके बाद बस हम लोगों ने कार्ट का फ्रेम चूज किया. कार्ट का फ्रेम क्यों चूज किया? बिकॉज कार्ट एंड ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, और अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं इसका मतलब कार्ट के फ्रेम में ब्लॉक स्टेशनरी दिख रहा है. तो देयर इज योर हिंट. और सिंस हमें लोग को ब्लॉक पर डिस्कस करना है बिकॉज लिखा हुआ है कि ब्लॉक को गिरने नहीं देना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम भी आप ब्लॉक का ही बनाओगे. तो कार्ड के फ्रेम में जाके फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का आपने बना दिया, इक्वेशंस लिखी, और बस सिंप्लीफाई हो गया सब. तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, आई होप यू आर डन. ओके, इस क्वेश्चन का लो स्क्रीनशॉट. यार रुको, इस क्वेश्चन को भी मैं कराता हूँ. हम लोग को एक ब्लॉक को स्लाइड कराने के लिए जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है वो चाहिए, और जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है. अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन में जैसे हर जगह मैं जब मतलब जब फ्रिक्शन स्टार्ट करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टार्ट करता हूँ, और स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू एस लिखता हूँ. एस डिनोट्स स्टैटिक. फिर वही जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन का फिनिश करके काइनेटिक फ्रिक्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के लिखता हूँ. अच्छा, अब क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ म्यू लिखा होगा और म्यू देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा कि वो म्यू एस है कि म्यू के है. तो इस तरह के केसेस में आपको अज्यूम करके चलना है कि जो म्यू एस है और म्यू के है वो दोनों इक्वल हैं और दोनों म्यू के बराबर है. तो यहाँ पर सिंस वर्ड सिर्फ म्यू लिखा हुआ है, लेटर म्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों को आपको सेम लेना है और म्यू के बराबर लेना है. ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क है वो ये चेक करना कि जो एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमें मिनिमाइज करना है वो किस डायरेक्शन में लगाया जाए. तो यहां पे अब देखो, एक तो नॉर्मल रिएक्शन, एक इसका बॉडी वेट, और सिंस आपको इसको स्लाइड कराना है ब्लॉक को, तो ब्लॉक अगर स्लाइड करने वाला है इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है उस स्टैटिक वैल्यू, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको ओवरकम करने के लिए. अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला अपने पास म्यू एन के बराबर होता है. अब म्यू तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में म्यू जो है वो तो कांस्टेंट दे रखा है, तो म्यू कांस्टेंट है, और अगर हम सिंस इस ब्लॉक को इजीली मूव कराना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें मिनिमम फ्रिक्शन अक्वायर, मतलब मिनिमम फ्रिक्शन ओवरकम करना है. तो किसी तरह से हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है सो दैट कि इस ब्लॉक को पुल करने के लिए जो रिक्वायर्ड एफर्ट है, फोर्स है, वो कम लगे. अब फ्रिक्शन को अगर आपको कम करना है तो आपके पास एक ही तरीका है, इस नॉर्मल रिएक्शन को कम करना. तो अगर नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप कम कर देते हो किसी भी तरह से, तो फोर्स को इस तरह से लगाओ कि वो नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प करे काइंड ऑफ, तो फिर जो भी है आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो और फिर इसको जो भी हिलाना डुलाना आसान हो जाएगा.
तो अपने पास एक तरीका है, अगर आप फोर्स को डायरेक्शन वन में लगाते हो तो इस केस में जो फोर्स का एक भी कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग नहीं आ रहा है, इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी और फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जो भी है म्यू एम जी। अगर आपने फोर्स को डायरेक्शन टू में लगाया तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो एम जी के साथ एडअप हो जाएगा, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ जाएगा। तो ये तो उल्टा हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हमें कम करना था, यहाँ पे इस केस में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, हाउ अबाउट दिस, अगर आप थर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओ ऐसे रैंडम डायरेक्शन में किसी एंगल पर, तो यहां पर फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ एंड दैट कंपोनेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिलके एमजी को बैलेंस करेंगे। तो अब सिंस यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ी सी हेल्प मिल गई, तो लाइक ऐसा है हो गया कि जैसे एक 10 किलो का कुछ 10 किलो की बोरी थी और आपके सर पे रख दी, ठीक है, और या आपको बोरी को पकड़ के रखने को ऐसे बोल दिया कैसे उसको पकड़े रहो, अब आप उसको पकड़े खड़े हुए हो, ठीक है, आपको उसको 10 kg के वेट को बैलेंस करने के लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और ठीक है थक जाओगे कुछ टाइम के बाद। अब अगर मान लो कि उसी टाइम पे जब आपको बोरी दी गई उसी टाइम पे आपका एक फ्रेंड आ गया और उसने भी पीछे से ऐसे हाथ लगा लिया नीचे से, तो फिर आपकी हेल्प हो गई ना, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वही सेम चीज़ यहाँ पर कि सिंस जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा और वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट इस नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प करेगा एम जी को बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज एम जी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज़्यादा वैल्यू पे काम नहीं कर रहा होगा। जैसे सेम एज कि वो 10 kg की बोरी जो है आपके फ्रेंड के आने के बाद आपको उसको बैलेंस करने के लिए 10 kg के बोरी को बैलेंस करने के लिए वो 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर फोर्स के कॉम्पोनेंट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये केस हो सकता है और दिस केस इज फिजिबल, दिस इज आवर टारगेट। तो यहाँ से वो चीज़ भी एक्सप्लेन हो जाती है, एक बेसिक सा ट्रिवियल सा क्वेश्चन कि पुश करना इजी है कि पुल करना इजी है, तो वो दिख रहा है पुल करना इजी है। अच्छा, अब जो भी फोर्स है उसको लगाया है हमने किसी एंगल पर, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमने किसी एंगल पे लगाया है, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा विच इज एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा इनकी हेल्प कर रहा है, और सिंस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो राइट की तरफ स्लाइड करने की है बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा, उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए यहां पर आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और सिंस ब्लॉक स्लाइड करने वाला है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर। अच्छा चलो, तो डायग्राम वगैरह बनाई हुआ है, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करोगे तो एन प्लस एफ साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी के बराबर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करोगे तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज ऑल्सो म्यू इन टू एन। तो फर्स्ट इक्वेशन से एन की वैल्यू उठा के यहाँ पे ठूस दो तो अपने पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इस एफ के टर्म को इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ और वेरिएबल सेपरेट कर लो, यानी कि एफ का एक्सप्रेशन निकाल लो, तो जो अपने पास एफ का एक्सप्रेशन आ जाता है वो आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बस आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है जो कि हालांकि मैथमेटिकल है लेकिन आपकी फिजिक्स में यूज़ होता रहता है, और याद रखो तो मतलब भला ही होगा, ये जो भी एक्सप्रेशन कभी भी ऐसा दिख जाए रादर इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ, तो कभी भी आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जैसा अगर एक्सप्रेशन दिख जाए तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप मैक्सिमा मिनिमा से भी प्रूव कर सकते हो डिफरेंशिएट वगैरह करके, और अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके भी प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली याद रख लो बेस्ट रहेगा। अच्छा, मतलब दोज ऑफ यू हु वॉन्ट टू कन्फर्म कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं, तो वो ये काम कर सकते हो जो मैंने बोला। अब देखो, अगर आपको फोर्स को मिनिमाइज करना है तो
तो म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है, जो भी फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, बिकॉज थीटा हमें पता भी नहीं, हमने ऐसे रैंडम डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। तो फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, और डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करने का मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से ये यूज़ करने के बाद जो अपने पास फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है म्यू एम जी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आंसर है। आंसर इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसका ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, और कोई भी स्टेप क्लियर नहीं हो तो रिवाइंड करके देख लेना। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल, सो इट शुड बी क्लियर, बट स्टिल इन केस यू मिस्ड अ पॉइंट और किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एंड हाँ, अगर दोबारा देखने के बाद, रिवाइंड करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो जो भी आपका डाउट है, आई टेक केयर ऑफ इट। ऑलराइट, सो आई होप यू आर डन विद स्क्रीनशॉट, और अब आगे है काइनेटिक फ्रिक्शन, सो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज़ टुमारो। सो कल की क्लास में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन वगैरह जो भी आप लोग रिवाइज करके आना, इसी तरह से क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करते करते मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एंड आई फाउंड दिस मेथड यूजफुल। सो मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती जाती है और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते जाते हैं, एंड बिलीव मी फिजिक्स अगर मास्टर करनी है तो बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोज ऑफ यू जिन लोगों को लगता है कि उनकी थ्योरी वीक है इसलिए वो क्वेश्चन से नहीं कर पाते हैं, यू आर रॉन्ग। थ्योरी मतलब सिर्फ एक बार पढ़नी होती है और वो सबको समझ में आ जाती है एक बार पढ़ने के बाद, और उसके बाद उस थ्योरी को बार बार रिवाइज नहीं करना होता है। ऑल यू नीड टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस इज क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो इसलिए क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन सॉल्विंग क्वेश्चन इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। कल काइनेटिक फ्रिक्शन जो भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़े वगैरह पढ़ रखा है वो रिवाइज करके आओ, कल मिलते हैं अपन लोग, ठीक है? सो दैट वाज ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू।